ग्राम पंचायत शाला के बाद विकासखंड गोहर की एक और पंचायत घरोट ने लंबा पुल बनाने का उदाहरण पेश किया है। ग्राम पंचायत घरोट ने ब्रोखड़ी खड्ड पर 81 मीटर लंबा वाहन योग्य पुल तैयार किया है। इस पुल के निर्माण से घरोट पंचायत के ब्रोखड़ी, धारली, कोट, धनोड, ठारू, टिकरी इत्यादि गांवों के लगभग 1300 लोगों को मुख्य सड़क गोहर करसोग से जुड़ने की सुविधा मिली। पुल के निर्माण पर कुल 21 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है, जिसमें से 5 लाख रुपए 14वें वित्त आयोग से व 5 लाख रुपए मनरेगा से, 6 लाख रुपए योजना मदद से व 5 लाख रुपए विकास में जन सहयोग मदद के तहत खर्च किए गए। पुल निर्माण का श्रेय पंचायत प्रधान सत्य प्रकाश, उप प्रधान हुकुमचंद, समस्त वार्ड सदस्यों, कनिष्ठ अभियंता नवीन, पंचायत सचिव तेगुराम, तकनीकी सहायक डोलाराम व ग्राम रोजगार सेवक दीवान चंद की मेहनत तथा सहायक अभियंता सूरजमणि के मार्गदर्शन को जाता है। वीडियो गौर निशांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत गरोट ने एक उदाहरण पेश किया है कि किस प्रकार मनरेगा 14वें वित्त योजना मदद की राशियों का प्रयोग करके बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जा सकता है। निशांत शर्मा ने बताया कि निदेशक ललित जैन के मार्गदर्शन से ये कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी पक्की सड़कों, पुलों, भवनों जैसे बड़े बड़े कार्य निष्पादित हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों से हिमाचल प्रदेश के विकास में गाँव के आम आदमी की भूमिका भी सुनिश्चित हो पाती है। इस पुल के निर्माण से ग्राम पंचायत घरोट ने 6-7 गांव के लगभग 1200-1300 लोगों को मुख्य गोहर करसोग सड़क मार्ग से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है। इस शानदार कार्य के लिए मैं ग्राम पंचायत घरोट के समस्त पंचायत प्रतिनिधियों व स्टाफ को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इस पुल के निर्माण से ग्राम पंचायत घरोट ने पूरे प्रदेश को यह दिखाया है कि पंचायतें कितने बड़े बड़े कार्य कर सकती हैं और कन्वर्जेंस में किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए गए कार्यों में एक ओर जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं प्रदेश के विकास में स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित होती है। मैं पुनः ग्राम पंचायत करोड़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जो पुल है, इसका जो कार्य है, यह वर्ष 2017 में शुरू हुआ है और अभी 2020 जुलाई 2020 में जो इसका पुल का कार्यक्रम जो है समाप्त हुआ है। इस पुल की जो कुल लागत आई है वो 21 लाख रुपए आई है और इसके साथ साथ जो है पीडब्ल्यूडी ने जो इसका जो आकलन किया था, इसका जो एस्टिमेट बनाया था वो 1 करोड़ रुपए का बनाया था। इस पुल से जो इस क्षेत्र की जो है 60% जो जनता है वो इस काम से जो इस पुल बनने से जो लाभान्वित हुई है। पहले लोगों को जो है अपने जो बीमार होते थे, पेशेंट होते थे, वो उनको पीठ पर ले जाने पड़ते थे और जो अपनी नकदी फसलें थी वो भी पीठ पर उठा के ले जानी पड़ती थी। यहाँ जो ऊपर हमारा एरिया पड़ता है पंडार का एरिया, वो जो पंडार का एरिया है वो ऊपर अगर बाया रोड आते हैं तो यहाँ पंचायत आने के लिए 7 किलोमीटर, और इस पुल के बनने से जो है वो इसकी दूरी मात्र सिर्फ 2 किलोमीटर रही है। यह जो इस पुल का जो सारा श्रेय जाता है यहाँ की स्थानीय जनता और हमारे माननीय जो BDO साहब है उन लोगों की कृपा से जो है ये काम हमारा संपूर्ण हुआ है और साथ में हमारे जो विधायक साहब है उनका भी इसमें बहुत सहयोग रहा है। इसमें कुल 21 लाख रुपए का खर्चा हुआ जिसमें 5 लाख रुपए जो है विकास में जन सहयोग लोगों की सहभागिता रही और 2 लाख रुपए इसमें SDP हेड का है। इसके बाद इसमें 5 लाख रुपए मनरेगा का और मंजूर